हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृति और मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पगली लड़की रिव्यू में स्वागत करती हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक सीरीज को जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। ये सीरीज सबरीना नाम की एक लड़की के लाइफ के एडवेंचर के बारे में है। इस सीरीज का जैनर है सुपरनेचुरल फिक्शनल हॉरर टीन ड्रामा। इस सीरीज के चार सीजन है। पहला सीजन 2018 में आया था, लास्ट सीजन 2020 में आया था और अभी यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं सबरीना, लिलिथ, डार्क लॉर्ड और एम्ब्रियो। इस सीरीज में और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सबरीना की दो आंटीज और सबरीना के फ्रेंड्स रॉस, हार्वी, थियो और नेक। इस सीरीज की शुरुआत होती है सबरीना से। सबरीना एक हाफ विच रहती है और एक हाफ ह्यूमन रहती है और वो अपने 16th बर्थडे के बाद पूरी विच बनने वाली रहती है, पर वो अपनी ह्यूमन लाइफ और विच लाइफ के बीच में चूज नहीं कर पाती है। तो सीजन फर्स्ट में वो डिसाइड करती है कि वो अपनी ह्यूमन लाइफ और अपनी विच लाइफ को बैलेंस करके रखेगी और इसको बैलेंस करने में सबसे ज्यादा उसकी हेल्प लिलिथ और उसका कजन एम्ब्रियोस करते हैं। वो अपनी ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन स्कूल जाती है और विच लाइफ में विच स्कूल जाती है। फिर बाद में वो अपने फ्रेंड्स को भी बता देती है कि वो एक विच है। सीजन सेकंड में सबरीना अपनी ह्यूमन लाइफ पर ब्रेक लगाती है और अपने विच लाइफ को कंटिन्यू करती है। वो अपनी विच स्कूल जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है, उनके साथ वही हो जाता है, पहले टकरार हो जाता है फिर उनमें प्यार हो जाता है। उसके बाद सबरीना में न्यू पावर्स आने लग जाते हैं और इन पावर्स को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। विच वर्ल्ड में सभी उससे डरने लग जाते हैं। वो अपने कजन को मरते मरते बचा लेती है अपनी पावर्स से, जिसके बाद विचेस जिनकी पूजा करते हैं डार्क लॉर्ड वो आ जाते हैं और वो सबको बता देते हैं कि सबरीना उनकी बेटी है और हेल की क्वीन है। फिर थर्ड सीजन में सबरीना हेल की क्वीन बनने के लिए कंपटीशन करती है हेल के प्रिंस के साथ और दूसरी तरफ अर्थ में उसकी विच फैमिली पर खतरा आ जाता है। विच फैमिली पर पूर्वज विचेस आके हमला कर देते हैं और उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो सबरीना हेल में क्वीन बनने के लिए कंपटीशन भी करती है और साथ ही साथ अर्थ में अपनी विच फैमिली को भी बचाने की कोशिश करती है। क्वीन में हेल बनने के लिए उसकी हेल्प लिलिथ करती है और अर्थ में उसकी विच फैमिली को बचाने के लिए उसके ह्यूमन फ्रेंड्स उसका साथ देते हैं, रॉस, हार्वी और थियो। फिर सीजन फोर में एलरिज का आतंक आ जाता है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। एलरिज के 8 आतंक होते हैं और हर एक एपिसोड में एक एक आतंक के बारे में बताया गया है। ये एलरिज का आतंक सबरीना की वजह से ही आता है और ये सीजन उसको हराने के बारे में ही है। ओवरऑल ये शो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, पर सिर्फ थर्ड सीजन तक। इस शो की स्टोरी माइंड ब्लोइंग थी। शो की एंडिंग हर सीजन की बहुत अमेजिंग थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, बट सिर्फ और सिर्फ थर्ड सीजन तक। फोर्थ सीजन में मेरी पूरी फीलिंग्स इस शो के लिए बदल गई। फोर्थ सीजन ऐसा लगा कि जबरदस्ती बनाया गया, इतना ज्यादा बोर हो गया फोर्थ सीजन की मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब थर्ड सीजन तक तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा कोई शो बन ही नहीं सकता और वही फोर्थ सीजन में लगा कि अरे यार ये क्या बना डाला इस शो को इसने। इस शो की कास्टिंग अच्छी हुई है, थर्ड सीजन तक स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी। सबरीना मुझे थोड़ी थोड़ी एमा वॉटसन की कॉपी लगती है जिसे हम हरमाइनी के नाम से जानते हैं। ओवरऑल मैं शो को 8/10 रेटिंग्स दूंगी। थर्ड सीजन तक तो मैं शो को 10/10 रेटिंग्स देने वाली थी, बट फोर्थ सीजन के कारण 8/10 रेटिंग्स हो गया वो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप थर्ड सीजन तक तो ये शो जरूर जरूर देखें, पूरा पैसा वसूल है थर्ड सीजन तक। मैं फोर्थ सीजन, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली फोर्थ सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा स्लो कर दिया गया और बहुत बोर हो गया। तो अगर आप ये शो देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप मेरे ओपिनियन से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा दोस्तों, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।